फिर से हम ताजमहल के बाहर जो पार्किंग थी वहां से अब बैठ के हम आ गए हैं। आगरा का जो लाल किला है वहां पे आ गए हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है हमने। तो गाइज वैसे आगरा का जो ताजमहल था वहां पार्किंग जो मेट्रो की थी वहां से 20 रुपए थी पर घंटे के हिसाब से, लेकिन यहां पे जो लाल किला के हिसाब से यहां पे 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो यहां पे 100 रुपए पर पार्किंग है एक घंटे की। भाई हम चलते हैं लाल किला। बारिश वैसे हो ही रही है, ये देखिए बारिश हो रही है। गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है, आपको ये लाल किला की दीवारें दिख रही होंगी और हमको एंट्री करनी है, उधर जाना पड़ेगा, उधर से एंट्री करनी है। तो ये पार्किंग है, यहाँ गाड़ी लगा दी, यहाँ पे 100 रुपए पर कार लगती है। तो ये देखो यहाँ पे खाना पीने की व्यवस्था भी है। बारिश हो रही है, बारिश में ही मैं जा रहा हूँ, अब एंट्री करूँगा और अंदर चलते हैं, लाल किला का व्यू दिखाते हैं आपको। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको खूब सारा व्यू मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं लाल किला के अंदर। बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है और इस टाइम हूँ मैं आगरा में भाई, और इस टाइम हूँ सी लाल किला के सामने। तो मैं भाई जा रहा हूँ लाल किला के अंदर, लेकिन छाता मेरे पे है तो बारिश से कोई रुकावट नहीं है। चलते हैं भाई लाल किला के अंदर। ये देखो गाड़ियाँ, ये घोड़ा चौक है, यहीं से अंदर जाते हैं। ऐसे ही ठीक ताजमहल के लिए बनाया, ऐसे घोड़ा ऐसे ही बना हुआ। तो भाई एंट्री सामने से ही है भाई, गाड़ियाँ खूब आ रही हैं, यहाँ खूब खाने पीने की व्यवस्था है बाहर रोड पे। ये देखो ये सामने अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन है, ये तो गाड़ियाँ आ रही हैं। चलो भाई तो चलते हैं हम अंदर। ये देखिए यहाँ पर जा रहे हैं भाई अंदर, यहाँ से जा रहे हैं भाई अंदर। आगे होगी टिकट, आगे होगी टिकट, लाल किला के लिए जा रहे हैं यहाँ से। टिकट भाई, टिकट काउंटर है, यहाँ लेते हैं टिकट। हमने टिकट ले ली है, देखो पीछे आप देख रहे हो टिकट काउंटर है, यहाँ से ले लिया। अब चलते हैं आगे, 50 रुपये की टिकट है एक आदमी की। चेकिंग हो रही है यहाँ पे, टिकिंग चेक होता है अंदर गेट पे। मैं ही लगा हुआ हूँ, चल रहे अभी आगे, काफ़ी लाइन लगी है बड़ी। इंटर करोगे तो इस टाइप का दिखेगा, देखो इस टाइप का दिखेगा आपको, अंदर है पूरा बना हुआ है किला। देखो देखो काफ़ी बड़ा किला है, किला। यहाँ से फिर इंटर हो गया हम अंदर, यहाँ से फिर जा रहे हैं अंदर। अंदर होते ही इस तरह का दिखेगा आपको, देखो ये तो शायद रिपेयर हुआ है। ये पत्थर जो है बहुत ही पुराना है, ये देखो, ये देखो लोग बाग घूम के भी आ रहे हैं अंदर की। बारिश हो रही है, पहले में ना ये दीवारों में देखो पानी के लिए निकलने के लिए बनाया हुआ है, चारों ओर से निकल रहा पानी और गिर रहा है। ये आ रहे हैं अंदर ही, काफ़ी बड़ा किला है, देखते हैं। दिल्ली का तो मैं देख के आया हूँ, आगरा का कैसा है वो देखने से पता चलेगा, लेकिन ये देखने से ऐसा लगा जैसे सेम ही है। चलते हैं वैसे अंदर भाई, चल पड़े हम लाल किला देखने आगरा का, खुले आसमान में। ईंटों से पता चल रहा है बहुत पुराना है, ये ईंटों से बहुत पुराना लग रहा है पता। देखेंगे तो इस टाइप का आपको मिलेगा, बड़ा सा गेट मिलेगा आपको, ये लोहे की ग्रिलें हैं बड़ी बड़ी। ये इधर महल है, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, लोग बाग हैं यहाँ पे। देखो पूरा मैदान है, इधर सामने जो है गार्डन वगैरह दिख रहा है। ये देखो इधर जैसे पूरा फैला हुआ है, वो काफ़ी मैदान में फैला हुआ है। ये देखो कितना बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इधर ही चलते हैं भाई। गाय जी है जहांगीर महल एवं अकबरी महल, चलते हैं आगे। देखो जहांगीर का स्नान कुंड है ये, देखो जहांगीर का कुंड है नहाने वाला, इसमें लोगों ने पैसे भी डाल रखे हैं, काफी पैसे पड़े हुए हैं, आपको दिखाई लगी हुई हैं। क्या है इसमें, बारिश का पानी भी भर गया, कुछ सिक्के भी लोगों ने डाले हैं वो भी पड़े हुए हैं इसमें। महल है, तो इसमें चलते हैं अंदर, अंदर कैसा है क्या है देखने को मिलेगा। लेकिन भाई काफ़ी पुरानी विरासत है भारत देश में, भाई घास ही घास लगी हुई है। देखो दीवारी सी पुरानी है जो अंदर से बाहर देखने के लिए थी, ये देखो बनी हुई है। तो हम चलते हैं अंदर भाई, अंदर चलते हैं। अरे भाई गेट इस प्रकार के बने हुए हैं, इस प्रकार के अंदर बने हुए भाई, देखो इस प्रकार के अंदर बने हुए हैं। ये देखो छवि क्या है, अंदर महल की है ये। दीवारों पर बड़ी कढ़ाई करके डिजाइन बनाए हुए हैं, पहले ज़माने में काफ़ी मिस्त्री लगे होंगे उस टाइम भी ऐसा। इन चीज़ों को देख के लगता है आगे भी पहले भी काफ़ी कारीगर थे, काफ़ी पुराना विरासत पड़ा हुआ है भारत देश में, काफ़ी अच्छा लगता है देख के। और यहाँ पे जो पहले अलमारी वगैरह होती थी पत्थर की, वो भी सब बने हुए यहाँ पे साफ साफ नज़र आता है, चौकटें भी बनी हुई हैं। छाता बंद करते हैं, बारिश अंदर है नहीं। जा रहे हैं यहाँ से बाहर जा रहे हैं हम, टाइप का बना हुआ है पूरा, संग पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, देखो पुराने वर्ष में, देखो पूरा इस टाइप का बना हुआ है भैया।
ये पूरा महल है देखो, पूरा चारों ओर बारिश खूब हो रही है। कितना अच्छा डिजाइन किया हुआ है उस जमाने में, देखो कितना कैसे बनाया होगा, ये सोचने वाली बात है। ये देखो कितना प्यार डिजाइन किया हुआ है। ये अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ बना हुआ है अंदर, पर पता नहीं क्या है इसके अंदर, कुछ है। ये देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कुछ है नहीं, वैसे बंद है, बट कमरे बंद हैं। ये देखो क्या महल बना हुआ है, ये ऊंचाई है, ये दीवारें हैं, और ये देखो कितने अच्छा डिजाइन किया हुआ है यहाँ पे, बताओ। हो रही है गाइस, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो पूरे अंदर भी इधर है कुछ, के अंदर आया है इधर, इधर कुआ वगैरह भी है इधर, देखो तो बड़ी जल्दी घूम फिर लिया उन्होंने। देखने योग बहुत है लाल किला, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये कुछ होगा उस ज़माने का। देखो देखने योग बहुत है, ये जमुना जी का पूरा इस तरह भाई, ये पूरा यहाँ से दिख रहा है पीछे बैक साइड, ये लाल किला का है पूरा। ये देखो ये पीछे का नज़ारा है, ये बैक साइड का नज़ारा है पीछे खिड़कियों में। लोग बाहर देखते हैं भाई नीचे, बाहर चलते हैं अब बाहर, अंदर बना हुआ है चारों ओर, बारिश खूब हो रही है। बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया है, देखो बारिश में भी लोग घूम रहे हैं खूब, और ये महल की दीवार देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही काफी नज़ारा अच्छा है। देखो तो हमने भी बाहर ही निकल रहा हूँ, देखो कितना सुंदर बना हुआ है पूरा महल, बहुत खूबसूरत बने भाई। बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश में घूमना बहुत ही कठिन है भाई, फिर भी लोगों की हिम्मतों की तारीफ करूंगा भाई इतने, बट क्या करे, जो आदमी दूर से आया है तो घूमेगा ही पब्लिक में। घूम लिया भाई लोगों ने, ये देखो ऐसे हम वापसी जाएंगे। अभी ये जो गार्डन है पूरा, ये भी है इधर, ये देखो सारा, अब चलते हैं हम वापसी। राजा किला ऐसे ही हुआ करते थे, देखो कितनी चौड़ी सड़क है और काफ़ी काबिल तारीफ भाई, इतना बना हुआ था पहले, लोग बाग छाता लेके लोग आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। देखो भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बारिश खूब हो रही है। तो फिलहाल तो गाइस वापसी आ गए हम, बारिश खूब हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। होगा इस कैसे बैठे हुए हैं कबूतर, वैसे ज़्यादातर याद रहेगा भाई, बारिश खूब हो रही है दबा दबा।